मथुरा में पुलिस ने सराहनीय काम करते हुए हत्या की मंशा से हमला करने वाले आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी महज पुलिस ने 24 घंटे में की है और आरोपी को पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया और विधिवत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी सचिन और फरार चल रहे अभियुक्त मोनू संजय ठाकुर के मध्य रात्रि घर के अंदर जान से मारने की नियत से दाखिल हुए थे, लेकिन मकान स्वामी संजय ठाकुर की साली पर इन लोगों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको नजदीकी हायर सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर एक अभियुक्त संजय को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी थाना हाईवे पुलिस ने की है और 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया है। किस बात को लेकर की हुई थी इनकी रंजिश? दो कारणों से थी। जो संजय ठाकुर है, इनका मोनू भरद्वाज के ऊपर कुछ पैसे का लेन देन था, तो पैसे पेंडिंग थे उसके ऊपर। और दूसरी एक जो बात सामने आई है कि सचिन का संजय ठाकुर की बेटी के साथ कुछ रिलेशनशिप था, जिसको लेके सचिन को ये था कि मेरी उससे बातचीत बंद हो गई है, इससे उसको इससे संजय ठाकुर के ऊपर उसकी रंजिश पैदा हो गई थी कि ये उसको अपनी बेटी को मेरे से मिलने से मना करते हैं। तो इस बात को लेके इसको ये था कि हम इससे कैसे मिलें, तो इसके पिताजी को हम ख़त्म कर देते हैं। तो इसी मंशा से इसके घर के अंदर घुसे और इन्होंने उसके गले के ऊपर ही वार किया और फिर जब वो उसकी साली बाहर आई उसके बचाव के अंदर उसको फायर भी मारा। तो तमंचा रिकवर हो गया है, ठीक है, और ये सचिन को भी हमने अरेस्ट कर लिया है। एक बाबा ये जो मोनू भरद्वाज है ये पेंडिंग है, इसको जल्द अरेस्ट कर लेंगे।